नए वित्त साल के पहले दिन ही सरकार ने प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका दिया है और 1 अप्रैल से प्रदेश में बिजली दरों में 22 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं इस वृद्धि पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। प्रदेश भाजपा महामंत्री और विधायक राकेश जानवाल ने मंडी जिले के सुंदरनगर में कहा कि हिमाचल प्रदेश में विद्युत विभाग के रेगुलेटरी कमिश्नर की बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी के रेगुलेटरी कमीशन ने मीटिंग करके आज फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर जो हैं उनको भी 22 पैसे प्रति यूनिट जो है बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं और 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएंगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के दिनों में जो वायदे किए थे, जनता से कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे, लेकिन 300 यूनिट फ्री बिजली देने के बजाय 125 यूनिट जो फ्री जयराम जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली फ्री दे रही थी, उसे ऊपर जितने उपभोक्ता हैं उनको 22 पैसे पर यूनिट जो है और बिजली जो है महंगी हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने जो 10 गारंटियां दी थी उनका सबका भी यही हाल है। लेकिन हम प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखेंद्र सुक्खू जी से यही कहना चाहते हैं कि आपने जिस प्रकार से झूठे वायदे करके सत्ता हासिल की है, आज धीरे धीरे उसके परिणाम आना शुरू हो गए हैं। और जहां 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, वहीं 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ाने का निर्णय जो है वो सरकार का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमारे जितने भी लाखों उपभोक्ता इस प्रदेश में हैं उनके ऊपर जो है बहुत वित्तीय बोझ हमारे लोगों के ऊपर पड़ेगा। खबरों में